गुड मॉर्निंग फ्रेंड, 6 और 7 जून के करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे देश और दुनिया में क्या नया घटित हुआ है, क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकती हैं। जो व्यूवर्स नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट ज़रूर करें एक बार और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हुई है, इसमें भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं। तो इस बार जो टॉप 100 में शामिल इंस्टीट्यूट हैं वो है 8 इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं। और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर टॉप स्थान पर रहा है, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में 36th स्थान पर है। तो मतलब कि 36th पर है इंडिया का टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर फिल्म मेकर वासु चटर्जी का हाल ही में निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया। तो ये हमें बताना है। तो इनका निधन हो गया 90 साल की उम्र में। रजनीगंधा और शौकीन फिल्मों के मशहूर फिल्मकार, ये आप याद रख सकते हैं कि वासु चटर्जी ने कौन कौन सी फिल्में बनाई थी, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और कभी कभी तो UPSC में एज भी पूछ लेते हैं, कितनी एज में निधन हुआ, तो ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ उनकी निधन हो गया और इस पर सभी नेताओं और अभिनेताओं ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराए जाने का निर्धारण हुआ है। तो ये निर्धारण हुआ है 17 जून को कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कराया जाएगा, जिसकी जानकारी विश्व निकाय के अंतरिम कार्यक्रम में दी गई। 17 जून को फ्रांस ने 15 देशों की इस परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। नेक्स्ट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस भूक्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। तो रूस के साइबेरिया के क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है। व्लादिमीर पुतिन का ये एक फैसला एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद किया गया है, जिससे वहां आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के बावजूद भी किस देश ने भारत को समय पर राफेल विमान प्रदान करने की घोषणा की है। तो राफेल विमान की जो इनमें भारत को देने की घोषणा की है वो की है फ्रांस ने। फ्रांस ने कहा है कि समय पर वो अपने राफेल विमान दे देगा जब टाइम निश्चित किया गया है। साथ ही फ़ोन पे जो बातचीत हुई उसके दौरान फ्रांस ने क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले पहले स्थान पर है। तो ये हमारे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसमें ऑप्शन नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये आप याद रखेंगे। यूटेंस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम के अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले पहले स्थान पर होंगे। यहाँ पर इंस्टाग्राम आएगा, जबकि भारतीय टीम के विराट कोहली यहाँ पर 6 स्थान पर हैं, ये याद रखेंगे। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने 3 स्पॉन्सर पोस्ट के जरिए कुल 3.6 करोड़ रुपए कमाए हैं। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटीज़ है जो हर साल ही लगभग टॉप 100 में रहता है, वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बीते वर्ष में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए ही अब इनकी संपत्ति रह गई है, और इस सूची में वह 33वें रैंक से फिसल के अब 52वें रैंक पे आ चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके निजी सचिव राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है राजीव टोपनो, और ये निजी सचिव थे नरेंद्र मोदी के। यहाँ पर वे 1996 बैच की गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा इस पद पर।
ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना है स्वदेश योजना। स्वदेश योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए अब तक 7,000 से ज़्यादा ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन से वापस लाया जाएगा। ये इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस मिशन द्वारा विदेशियों को भारत लाया जाएगा, भारतीय नागरिकों को भारत लाया जाएगा, तो वंदे भारत मिशन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कितने वर्ष के बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 42 वर्ष के बाद। एशियन फुटबॉल फेडरेशन की महिला कमेटी ने 42 वर्ष बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन करने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दे दी गई है। स्टूडेंट को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से किसने पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम उसके पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये की है हरदीप पुरी ने। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने स्टूडेंट को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम और उसके पोर्टल की शुरुआत की है। इसके द्वारा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे उनको देश के 4500 निकायों में स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप करने का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष किसने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन आयोजन को रद्द कर दिया है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता ही सकते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसे रद्द कर दिया है, जो कि 11, ये आप डेट याद रख सकते हैं इसमें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है कि ये होना था 11 से 16 अगस्त के बीच, बट इसे अब इसका आयोजन कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाएगा। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़रूर बताएं कि आप लोगों को और कौन सी वीडियोस देखनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।